वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है यह ICSE क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है और साथ ही साथ ISC क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है। आप सभी स्टूडेंट्स इस समय अपने सेमेस्टर 2 के रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं या फिर आप कुछ कोई भी पढ़ाई अपने आगे स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो रिजल्ट की वजह से आपके दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूज़न है और जिसकी वजह से आपका कह सकते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। हरदम आपके दिमाग में टेंशन बना रह रहा है कि आखिर आपका रिजल्ट कब आएगा, कैसा आएगा, उसमें क्या कुछ होगा। तो देखिए, एक न्यूज एजेंसी है कैरियर 360, उसके तरफ से हमें एक न्यूज़ मिला है कि जो आपका ICSE क्लास 10th है उसका सेमेस्टर 2 का रिजल्ट 16 जुलाई को आने के चांसेस है एंड ISC क्लास 12th के रिजल्ट जुलाई के एंड में आने के चांसेस हैं। या मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको मैं स्क्रीन पे उसका मैं पोस्ट कर दूंगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कैरियर 360 ने बताया है कि जो ICSE क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट 16 जुलाई को ICSE के बोर्ड के द्वारा सेमेस्टर 2 का डिक्लेयर कर दिया जाएगा और साथ ही साथ ISC क्लास 12th का रिजल्ट जुलाई के एंड में बोर्ड के द्वारा रिलीज किया जाएगा। अब दोनों के रिजल्ट में जो डिफरेंस आ रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि जो क्लास 10th का पेपर था यह 25 अप्रैल से शुरू हुआ था एंड 23 मई को क्लास 10th का पेपर ख़त्म हो गया था ICSE क्लास 10th का, लेकिन जो ISC क्लास 12th का पेपर है यह स्टार्ट हुआ था कब से, तो 26 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, लेकिन यह एंड कब हुआ है, तो एंड हुआ है 13 जून को। दोनों के डेट में काफ़ी डिफरेंस था जिसके वजह से रिजल्ट में डिले हो रहा है कि ICSE क्लास 10th का रिजल्ट बहुत पहले आ जा रहा है, 16 जुलाई को ही आ जा रहा है, लेकिन ISC क्लास 12th का रिजल्ट ये जुलाई के एंड में आएगा। तो यह न्यूज़ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा था ताकि आपके दिमाग से कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि आखिर आपका रिजल्ट कब आएगा। तो अब आप लोग को मान के चलना है कि आपका रिजल्ट 16 जुलाई तक 100% डिक्लेयर हो जाएगा एंड जो कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पर आप फोकस करें और 16 जुलाई का बस इंतज़ार करें। 16 जुलाई के दिन आपको आपका जो भी रिजल्ट आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा। थैंक यू।